हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अलसबाज फूड मैजिक। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन टिक्का की रेसिपी, जो बहुत ही इजीएस्ट वे में बनाकर रेडी होगी और बहुत ही यम्मी एंड डिलीशियस बनकर रेडी होगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने 500 ग्राम चिकन पीसेस ले लिए हैं। ये बोनलेस चिकन है। इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। इसमें मैं 4 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें कर्ड ऐड करेंगे। कर्ड यहाँ पे मैं 1 कप ऐड कर रही हूँ। ये मैंने सुहाना का चिकन टिक्का मसाला लिया है, रेडीमेड मसाला जो आता है आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, अदरवाइज ये आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये इसमें मैं पूरा एक 1 पैकेट ऐड कर रही हूँ 500 ग्राम चिकन में। इसमें हम 1/2 लेमन जूस ऐड करेंगे। इन सबको हमें अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा मसाले नहीं ऐड किए हैं, क्योंकि मसाले में जो रेडीमेड मैंने इसमें डाला था उसमें सब कुछ अवेलेबल होता है। इसे हम मैरिनेट करके 15-20 मिनट्स के लिए रख देंगे। इसके अंदर हमें कोल प्लेस करना है एक बोल में रखकर। इस पर हम थोड़ा सा घी या ऑयल ऐड कर देंगे, ताकि इसका जो स्मोक है वो अच्छे से सारी चिकन में स्प्रेड हो जाए। इसे हमें अच्छे से कवर करके रख देना है 15-20 मिनट्स के लिए। हमें इसे रखना है ताकि कोल का जो स्मोक है वो अच्छे से चिकन में आ जाए। यहाँ पे मैंने राइस लिए हैं, बिरयानी राइस। इसे हम सोक करेंगे। इसे हम मिनिमम 30-35 मिनट्स के लिए सोक करके रख देंगे पानी में। यहाँ पे मिनिमम 20 मिनट्स के लिए मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया था। अभी इसे मैं ग्रिल कर रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ। इसे हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसे हमें शैलो फ्राई करना है। दोनों तरफ से अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे चिकन पीसेस को। ये देखिए, चिकन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं दोनों तरफ से। इसे हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर जो इसका मसाला जो बच गया था चिकन मैरिनेशन में से, इसमें हम कुछ और मसाले ऐड कर देंगे बिरयानी मसाला बनाने के लिए। इसमें हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे। कसूरी मेथी में यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से क्रश करके हमें ऐड करना है। इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बिरयानी का। इसमें टमेटो ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज के टमेटोज ऐड कर रही हूँ। कोरिएंडर और मिंट लीव्स ऐड करेंगे। इसे मैंने चॉप कर लिया है। ये मैं 1/2 कप ऐड कर रही हूँ। इसमें हम बिरिस्ता ऐड कर लेंगे। फ्राइड अनियन करके रखा था मैंने, इसे हमें ऐड कर लेना है। मीडियम साइज के 2 अनियन मैंने ऐड किए हैं इसमें। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। यहाँ पे जो फ्राइड अनियन का ऑयल बचा हुआ था उसी में मैं मसाले को ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें 2 मिनट तक। हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसे कवर करके कुक करेंगे एकदम लो फ्लेम पर, जब तक टमेटोज जो है वो अच्छे से मैश नहीं हो जाते। हमें इसे कवर करके कुक करना है। मिनिमम 2-3 मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके कुक किया था। ये देखिए, टमेटो अच्छे से मैश हो चुके हैं, मसाला अच्छे से कुक हो चुका है पूरा। यहाँ पे मैंने दूसरे पैन में पानी ले लिया है। 500 ग्राम राइस के लिए हमने यहाँ पे 4-5 ग्लास पानी ऐड किया है। इसमें हम ये गरम मसाले ऐड कर देंगे। इसके बाद सॉल्ट ऐड करना है हमें। सॉल्ट में यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट जितना आपको राइस के लिए लगता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हम ऐड करेंगे, क्योंकि जब इसका पानी हम रिंस करेंगे उसमें सॉल्ट भी निकल जाएगा। इसमें हम राइस वॉश करके ऐड कर लेंगे। राइस को हमने सोक करके रखा था, वही राइस को हम वॉश करके इसमें ऐड कर देना है। और राइस को हमें 70% तक ही कुक करना है। ये देखिए, 70% तक राइस कुक हो चुके हैं। इसका पानी हमने रिंस कर लिया है, इससे सारा पानी निकाल लेना है हमें इसमें से। यहाँ पर मसाला जो हमने रेडी किया था उसमें हमने चिकन पीसेस ऐड कर लिए हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसके बाद इसके ऊपर हमें राइस ऐड करना है। अच्छे से पूरा लेयर हम ऐड कर देंगे राइस का। ये देखिए, राइस का लेयर पूरा ऐड हो चुका है। इसके ऊपर हमें अभी बिरिस्ता ऐड करना है।
कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स ऐड कर देंगे इसके ऊपर से हम सैफ्रन वाटर ऐड करेंगे। सैफ्रन वाटर मैंने इसमें पानी में सैफ्रन भिगा कर रखा था, ये पानी को हम इसमें ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। इसे कवर करके हम दम पे रख देंगे। दम पे एकदम स्लो फ्लेम पर हमें रखना है, मिनिमम 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसे दम कर लेना है ताकि जो 70% राइस है वो अच्छे से कुक हो जाए, 100% पे आ जाए। ये देखिए मिनिमम 15 मिनट के बाद मैंने इसे ओपन किया है, राइस अच्छे से कुक हो चुके हैं। ये देखिए चिकन भी अच्छे से कुक हो चुकी है, इसकी बिरयानी बहुत ही अच्छी एंड डिलीशियस बनकर रेडी हुई थी। आप ज़रूर ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको कैसी लगी है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।